बल्कि आज सेलिब्रेशन है हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एक दूसरे के साथ भाई बनते हुए तैयारियां के लोग तैयारी बल्कि आज सेलिब्रेशन है हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एक दूसरे के साथ भाई बनते हुए इस मौके को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जिसकी बात हमेशा करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी नेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा जो भाईचारा है देखने को मिलता है। ना सिर्फ ईद की बात करें, लिहाज जब भी कोई त्यौहार जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है उस वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ दिया जाता है और किसी के मन में इस तरह की कोई बात नहीं रहती है कि वो किसी पर्टिकुलर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। सभी एक दूसरे को भाई समझ के एक दूसरे के साथ ऐसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और उसकी तस्वीरें आज साफ सुभाष से हमें देखने को मिली, जहाँ जो हिंदू बरादरी है, पंडित बरादरी है, तैयारियाँ तैयारी उनका हाथ बटा रहे थे और हर एक काम में उनका साथ दे रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जो भाईचारा है जी बिल्कुल सही कहा आपने कि
आज सबसे पहले तो मैं वहाँ के सभी वासियों को दशहरे की विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज कई वर्षों बाद यहाँ पे झांकी निकाली गई, और मैं इसके लिए जिला प्रशासन और यहाँ के वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये एक और उदाहरण है यहाँ के सौहार्द का, यहाँ की शांति का, यहाँ के प्रेम का, और मैं सभी जेके वासियों को विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिला प्रशासन को भी और जेके वासियों को भी, और एक बार और विजयदशमी की बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामनाएं। सही भी है, सब लोग यहाँ पर आकर एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि दशहरे में सबसे बड़ी बात है बुराई को जलाया जा रहा है, अच्छाई की जीत हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोग कश्मीर में भी बुराई को जला रहे हैं और अच्छाई की जीत कर रहे हैं। आज शोभा यात्रा 35 साल के बाद यहाँ फिर स्टार्ट हो गई इंदिरा नगर से यहाँ तक। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ LG साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, और हमारी प्रेजेंट में डिस्पेंसेशन इंक्लूडिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने दोनों साइड से स्वागत किया है झांकी का।